मोतिहारी में देर शाम अपराधियों द्वारा गोली मारकर आलू प्याज व्यवसायी की हत्या के विरुद्ध सड़क पर उतरे आक्रोशित ग्रामीण। सड़क पर शव रखकर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण छोड़ा दानो मोतिहारी पथ को नारायणपुर चौक के समीप जाम कर वरीय पदाधिकारी को बुलाने व अपराधियों की गिरफ्तारी व व्यवसायी की सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण और परिजन। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे कई थाना पुलिस। मोतिहारी के महुआवा थाना क्षेत्र के महुआवा मध्य विद्यालय के पास गुरुवार देर शाम ड्राइवर के साथ जा रहे आलू प्याज व्यवसायी रोहित की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। वहीं व्यवसायी के बाइक पर सवार एक युवक जख्मी हो गया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर देर रात परिजनों को सौंप दिया गया। बढ़ते आपराधिक घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार अहले सुबह छोड़ा दानो मोतिहारी पथ पर नारायण चौक के समीप सड़क पर व्यवसायी का शव रखकर आगजनी करते हुए सड़क को जाम कर दिया। परिजन व आक्रोशित ग्रामीण अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी व्यवसायियों की सुरक्षा सहित मांग पर अड़े हुए हैं। सूचना पर कई थाना पुलिस पहुंचकर सड़क जाम हटाने के लिए आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने में जुटी है, जबकि परिजन वरीय पदाधिकारी के बुलाने पर अड़े हुए जाम क्यों है, क्या मांग है? अभी महुआवा थाना में पड़ता है कटगिनवा गांव, वहीं पे मेरे भाई का हत्या हो गया है गोली मार के। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, शव को लेकर जाम किए हुए हैं। कोई बड़े अधिकारी आए, हम लोग को आके न्याय दिलवाए, आश्वासन दे, उसके बाद हम लोग खाली करेंगे रोड। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले को लेकर टीम का गठन किया गया है। घटना में शामिल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और जल्द ही अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और एक अभियुक्त गिरफ्तारी हुई, हमारी टीम लगी हुई, बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक जो बातें प्रकाश में आई हैं, दो बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। ये पहला बिंदु प्रेम प्रसाद के संबंध में और दूसरा बिंदु है व्यवसायी के जो ड्राइवरी, इन दोनों बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और विशेष टीम हमारी काम कर रही है। एक अभी गिरफ्तारी हो गई, बाकी गिरफ्तारी की शुरू की। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।